फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ कैट एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको चैम्फर कमांड के बारे में बताऊंगा। चैम्फर कमांड आपका मॉडिफाई टूल बार से है, तो देखते हैं चैम्फर कमांड कहाँ है, कहाँ कहाँ से हम पिक कर सकते हैं और शॉर्टकट की क्या यूज कर सकते हैं। देखिएगा, ये चैम्फर कमांड है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं, ये चैम्फर कमांड यहाँ है, आप देख सकते हैं। दूसरा, आप मॉडिफाई में जा सकते हैं। मॉडिफाई में आप देखेंगे चैम्फर कमांड, ये ठीक है। और आपका रिबन में भी देख सकते हैं, रिबन में नहीं शो कर रहा है, ठीक है, चैम्फर कमांड। हाँ, तो आप यहाँ मॉडिफाई से और यहाँ से मॉडिफाई टूल से दो जगह से चैम्फर कमांड ले सकते हैं, ठीक है। ये रिबन में भी आपका ये चैम्फर शो कर रहा है, चैम्फर कमांड, ठीक है। फिलेट के साथ में है, फिलेट के साथ अटैच है, ठीक है। चैम्फर कमांड देखिए यूज कहाँ कहाँ होता है। दोस्तों, चैम्फर कमांड एक तो क्या है, हमारा कोई भी कोई लाइन है उसको इंक्लाइंड करना है, किसी को स्लोप बनाना है, हिंदी में स्लोप रहता है, इंक्लाइंड कर देते हैं, ठीक है, तो उसी को चैम्फर बोलते हैं। आपने देखा होगा, एग्जांपल के लिए मैं सबसे बेस्ट तरीका बता दूँ आज के टाइम में जो सबके पास है। आप देखते होंगे सिम होती है, सिम के एक साइड में कट लगा हुआ होता है, एक एक साइड में स्लोप बना, एज का स्लोप बना होता है, वो आपका चैम्फर कमांड उसी तरह से यूज होता है। तो देखते हैं दूसरा शॉर्टकट की चैम्फर कमांड में CHA आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जैसे यहाँ हमने आपको CHA लेते हैं या यहाँ क्लिक करते हैं चैम्फर के लिए, तो देखिए नीचे आपको अंडू, पॉली लाइन, डिस्टेंस, एंगल, ट्रिम, मेथड और मल्टीपल, ये आपको हमने यहाँ नोट कर दिया है जिससे आपको दिखता रहे, अंडू, पॉली लाइन, डिस्टेंस, एंगल, ट्रिम, मेथड, मल्टीपल, ठीक है। यहाँ आपको बड़ा सा दिखेगा तो आपको इश्यू नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। तो सबसे पहले देखें हम नॉर्मली चैम्फर शुरू कैसे करते हैं। एक तो हमने आपको CHA टाइप किया, इंटर कर दिया, सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करने के लिए बोलता है, हमने फर्स्ट लाइन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे डिस्टेंस, एंगल, मेथड, किस विधि से हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस हमने लिया, डिस्टेंस हमने 100 रख लिया, 100 इंटर कर दिया, ठीक है। फिर स्पेसिफाई सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस, सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस कितना लेते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस फिर से इसको भी 100 डाल दिया हमने। अब सेकेंड लाइन ऑफ शिफ्ट, जिस लाइन पे शिफ्ट करना है, सेकेंड लाइन उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये चैम्फर कट गया। अभी आपका हमने इसे, अभी हम इसके बारे में भी बताएंगे, हमारे पास ट्रिम है, ट्रिम और अनट्रिम, अनट्रिम कर देंगे, जब हम अनट्रिम कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक ट्रिम हो जाएगा, अभी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलते हैं ट्रिम पे, ये पहला यहाँ देख रहे हैं, इस पर हम पहले बता दे रहे हैं, ट्रिम पे चलते हैं, ठीक है, ट्रिम कर देते हैं। अब जब भी हम, अभी आप देखेंगे इसको हम चैम्फर करेंगे, CHA इंटर, ठीक है, डिस्टेंस मेथड से, ठीक है, 100 100, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक। अब देखिए आप देख सकते हैं ये ट्रिम हो गया है, ठीक है। तो अंडू मेथड है, अंडू मेथड में क्या होता है, हमने वापस चले जाते हैं, जो भी कमांड हमने जैसे चैम्फर में, ठीक है, अंडू कर देते हैं, अंडू कर दिया हमने, ये लिया, ये लिया, जो हमारा कमांड अप्लाई हो जाते हैं उसमें हम वापस आने के लिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं पॉली लाइन, पहला मेथड है हमारा CHA, CHA इंटर किया, ठीक है, पॉली लाइन पे चलते हैं, पॉली लाइन पे है डिस्टेंस एंगल मेथड, मेथड में भी या तो एंगल देगा, मेथड पे डिस्टेंस देगा या तो एंगल देगा, ठीक है। डिस्टेंस आपने जो भी यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ डिस्टेंस सेलेक्ट कर लिया पहले, ठीक है। डिस्टेंस में स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस 100 डाल दिया हमने।
स्पेसिफाई सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस, इसमें भी 100 डाला। ठीक है, ये हमने पॉली लाइन था हमारा, पॉली लाइन में क्या था, जो पॉली लाइन था आपका पूरा, उसको पॉली लाइन को चैम्फर कर दिया। ठीक है, तो फ्रेंड जैसे हमने बताया आपको पॉली लाइन के बारे में बताया भी, ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ, एक लाइन ले लेता हूँ। लाइन लेने पे हमने लाइन लिया, कमांड लाइन लेके ये बनाया बॉक्स इस तरह से। ठीक है, ये हमने बॉक्स बनाया। अब इसको अगर हम पॉली लाइन से अगर हम चैम्फर करते हैं तो ये नहीं होगा। आपको दिखाते हैं हम कैसे चैम्फर लिया हमने। ठीक है, पॉली लाइन पे क्लिक किया, देखिए सिलेक्ट 2D पॉली लाइन, ये पॉली लाइन बोल रहा है। पॉली लाइन, अगर लाइन को पॉली लाइन में कन्वर्ट करना है तो हम एक तो ज्वाइन कमांड से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको होता है जे इंटर कर देंगे। ठीक है, जे इंटर करने भी ये, अब देखिए ये पॉली लाइन हो गई। ठीक है, अब CHA इंटर क्लिक करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट फर्स्ट एंगल पॉली लाइन पे हमने क्लिक किया यहाँ। ठीक है, सेलेक्ट ये पॉली लाइन सेलेक्ट किया, जो हमने डाला था 100x100 का, इसने ऑटोमेटिक ले लिया। ठीक है, तो ये पॉली लाइन था, दो पॉली लाइन पहले, फिर हम बैक चलते हैं इसको। हम फिर से आ गए अपने इस पे, डिस्टेंस डिस्टेंस आपने देख ही लिया, वही चीज़ है, CHA इंटर किया। ठीक है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस में हमने पहले 100 डाला, जो भी डाला जैसे 100 डालते हैं। ठीक है, इंटर किया, दूसरा 150 डाला हमने, इंटर किया। ठीक है, अब सिलेक्ट फर्स्ट लाइन, सिलेक्ट फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन, इसमें हमने नॉर्मली लिया था, पॉली लाइन नहीं लिया था। अगर पॉली लाइन सेलेक्ट करते तो ये पूरे पॉली लाइन को चैम्फर कर देता, लेकिन हमने इसमें नॉर्मली ले लिया था डिस्टेंस से। ठीक है, फिर से हम लेते हैं पॉली लाइन, ठीक है, डिस्टेंस वाले पे क्लिक किया हमने, इंटर किया, वही सेम चीज़ हमने दो बार इंटर कर दिया। फिर से ये देखिए, एक साइड में यहाँ से यहाँ तक हैंडल ले रहा है, यहाँ से यहाँ तक 150 ले रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला क्या है, CHA डिस्टेंस हो गया, एंगल हो गया, एंगल पे चलते हैं। एंगल पे क्लिक किया हमने, देखिए लेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन का हम लेंथ ले ले रहे हैं, फर्स्ट लाइन की लेंथ लेना पड़ेगा मुझे। यहाँ हम ले लेते हैं 100। ठीक है, इंटर, एंगल एंगल हम ले लेते हैं 45, 45 इंटर कर दिया हमने। अब देखिएगा ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन एंगल ले लिया। ठीक, हाँ, तो मैं एंगल के बारे में बता रहा था। ठीक है, CHA इंटर किया, ठीक है, एंगल पे क्लिक किया, एंगल पे पहले एक डिस्टेंस लेना पड़ेगा, 200 ले लेते हैं इसमें, इंटर किया। ठीक है, एंगल लेना 45 ले लेते हैं, 60 डिग्री ले लेते हैं, 60 डिग्री हमने ले लिया यहाँ से, इस पर क्लिक किया, फर्स्ट सेलेक्ट फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन, ये एंगल पे ले रहा। ठीक है, तो ये हमारा एंगल हो गया। ट्रिम और अनट्रिम के बारे में बता देते हैं। CHA चैम्फर लिया हमने, ट्रिम पे क्लिक किया। ठीक है, इसमें ट्रिम, नो ट्रिम, नो ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा हम सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, इसमें सेलेक्ट फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, देखिएगा ये नो ट्रिम जो हमने लिया था इसमें वही चीज़ है। ठीक है, एंगल 60 का है, ये 200 है। ठीक है, यहाँ से 200 है और ये एंगल आप चेक करेंगे, एंगल चेक करते हैं। ठीक है, ये 60 डिग्री है, आप देख सकते हैं 60 डिग्री का एंगल हमने लिया था। ठीक है, ये लेंथ चेक करते हैं, 200 लिया था, 200। ठीक है, इस तरह से ये ट्रिम और नो ट्रिम भी हो गया आपका।
सी एच ए ट्रिम पे हम क्या करते हैं, ट्रिम कर लेंगे, ठीक है, जिससे मेरे ट्रिम बाद में नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मेथड पे क्लिक करते हैं, मेथड पे सेम चीज़ है, डिस्टेंस एंगल, वही एक डिस्टेंस दे दो या एंगल दे दो, ठीक है, मेथड में भी। और इसमें मैं ई एक्चुअली इसलिए बड़ा लिखा जाता है क्योंकि इसमें एम ऑलरेडी मल्टीप्लाई के लिए भी हम शॉर्टकट में यूज कर सकते हैं, तो हम ई एंटर कर देते हैं, ठीक है। जब सी एच ए चैम्फर लेते हैं, ठीक है, मेथड इसमें देखिए एम शॉर्ट वो स्मॉल में लिखा है, ई कैपिटल में, क्योंकि यहाँ हम इंटर कर देंगे हम तो भी इंटर से काम चल जाएगा, यहाँ से पिक कर भी सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल में देखते हैं, मल्टीपल में क्या है, मल्टीपल में सेलेक्ट किया हमने एक, ये लाइन सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, डिस्टेंस से या एंगल से जो भी हम चाहें डिस्टेंस से दे देते हैं, ठीक है, 200 इंटर, सेकेंड 200 इंटर, ठीक है, सेलेक्ट सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन को क्लिक किया हमने, फिर सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, मल्टीपल किया है, हमें कमांड नहीं लेना पड़ रहा है बार बार, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, ये लाइन सेलेक्ट किया, सेकेंड लाइन मल्टीपल पे हमने क्लिक किया है, ठीक है, ये सेलेक्ट किया, ये हो गया, इसमें सेलेक्ट किया फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन शिफ्ट होता, आप देख सकते हैं 200 बाई 200 का लिया है इसमें, ये मल्टीपल लिया है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से रिमूव। थैंक यू दोस्तों, इसमें बस इतना ही था, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से आगे कमांड्स बताता रहूँगा, तो आपको बेल आइकन अगर क्लिक कर देंगे तो मैसेज में मिल जाएगा। थैंक यू।